नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रत्येक दिन टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता हूं। इसी कड़ी में मैं आज आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें, भारत के जलप्रपात और भारत का जलवायु तथा भारत के प्रमुख मिट्टियाँ। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग इन सभी टॉपिक पे काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज का पहला टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन है? चिल्का झील है, जो खारे पानी की एक लैगून झील है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील का दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को जो है वो दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर, चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर तथा गहराई 2 मीटर है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। आगे है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर है और यह राजस्थान में है। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूँ कि राजस्थान में कुछ झीलें जो हैं वो खारे पानी की झील हैं, जबकि इनका समुद्रों से कोई संपर्क नहीं होता है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि राजस्थान की जो झीलें खारे पानी की झील हैं, वो पूर्व समय में टेथी सागर के संपर्क में रही होंगी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। आगे है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात की जाए बुलर झील की, तो ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना इसी झील पर है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर बात की जाए, कृत्रिम झील का निर्माण कैसे होता है? तो समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी नदी के जल को रोक दिया गया है, तो वह नदी का जल आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है। तो जिस क्षेत्र में नदी का जल फैलता है, वह एक प्रकार का झील का रूप ले लेता है और वही कृत्रिम झील है। तो अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए एक बांध से बना है। समझ पा रहे हैं? चलिए मेरे साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को वालसन कहते हैं। अगर कोई अभिकेंद्रीय यानी क्या, केंद्र की ओर प्रवाह या अपवाह, तो अगर कोई ऐसा आकृति है जहाँ केंद्र की ओर प्रवाह है और वह पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो वह समतल गर्त क्या कहलाता है? वालसन कहलाता है। यहाँ पे देखिए, झीलें और उनका राज्य क्षेत्र दिया गया है। डल झील जम्मू कश्मीर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, बेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, मानस बल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर और नागिन झील जम्मू कश्मीर। यहाँ पे दोस्तों एक बात को आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं कि जिसके अंत में भी नाग लगा हुआ है, वो अधिकांश झीलें जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है, सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल झील उत्तराखंड, राकस ताल झील उत्तराखंड, माला ताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचिया ताल झील उत्तराखंड, खुरपा ताल झील उत्तराखंड। तो दोस्तों यहाँ पे एक ट्रेंड और निकल कर सामने आ रहा है कि अधिकांश झीलें जिनके अंत में ताल लगा हुआ है, वह कहाँ की है? तो उत्तराखंड की। ठीक है ना, चलिए। हालांकि इनके कुछ अपवाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं, आगे हम लोग उस पर बात करेंगे। फिर देखिए, खारे पानी की झील जो है सांभर झील राजस्थान में, उसके अलावा राजसमंद झील राजस्थान में, पिछौला झील राजस्थान में, लूनकर्सनर झील राजस्थान में, जयसमंद झील राजस्थान में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में। यहाँ पे दोस्तों एक दो ट्रेंड यहाँ पे भी निकल कर आ रहा है कि जिस भी झील के अंत में सागर लगा हो या जिस झील के अंत में राजमंद लगा हो, जैसे राजसमंद, जयसमंद, तो ये सारे झीलें राजस्थान की झीलें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है। लोकटक झील से एक विशेष बात यहाँ पे मैं बता दूँ कि लोकटक झील में ही एक तैरता हुआ पार्क है, जिसका नाम है किवलामजाओ पार्क। ठीक है, और कहाँ है? मणिपुर में। अगर बात की जाए पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील ही है लोकटक झील। आगे बात करते हैं हम लोग पुलिकट झील। पुलिकट झील एक्चुअल में लैगून झील का उदाहरण है और यह तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। हालांकि इसका अधिकांश विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक ना, चलिए आगे बात करते हैं। हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में। दोस्तों सागर लगा हो तो कंफ्यूज मत करिएगा, हर जो भी सागर है, कोई ज़रूरी नहीं कि राजस्थान में है। देखिए यहाँ पे एक अपवाद मिल जाता है आपको, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में भी है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील है और यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर है, एक तरह से कह सकते हैं। कोलेरू झील एक लैगून झील है और यह आंध्र प्रदेश में है। आगे है चिल्का झील, चिल्का झील उड़ीसा में है, यह लैगून झील है। हम लोग बात कर चुके हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है।
अब है लोनार झील या महाराष्ट्र में है। लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ है? तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रह्मांडीय घटना का यह दिन है। क्या होता है कि जब ब्रह्मांड से उल्काएं तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो घर्षण के कारण जलने लगती हैं और वह किसी भी पृथ्वी के किसी भी भाग पे गिरती हैं, तो वहाँ पे खड्ड का निर्माण करती हैं, गड्ढे का निर्माण करती हैं, और इसी गड्ढे से लोनार झील का निर्माण हुआ है। यह महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेम्बनाड झील, यह केरल में है। अष्टमुदी झील केरल में है। पेरियार झील केरल में है। ये सारे झील जो हैं वो कयाल के उदाहरण हैं। कयाल क्या है? तो केरल में उन झीलों को कयाल कहा जाता है जो कटे छटे कह सकते हैं कि आधार रेखा के अंदर घुस जाते हैं, यानी कि तटों के कटे छटे भाग में जो झीलें प्रवेश कर जो जल के राशि प्रवेश कर जाती हैं और उनसे जो निर्मित झील होता है उन्हें लैगून झील कहते हैं, और इन्हीं लैगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है। समझ पा रहे हैं? तो जितने भी झील यहाँ पे दिए हैं आप उनको याद कर लेंगे, और मैं यहाँ पे एक बात और कहूँगा कि आप धैर्य बना के रखेंगे। जो झीलें छूट गई हैं, हम लोग जो झील झील लूसेंट में नहीं दिया है, उन सभी झीलों के बारे में हम लोग काफ़ी विस्तार से बात करेंगे। जब मैं भारत के भूगोल के अंतर्गत जो झील को कवर कराऊंगा तो मैं सारी झीलों के बारे में बता दूंगा। यहाँ पे देखिए, ऊंट कडाल पुल डल झील में के बीच स्थित है। ऊंट कडाल पुल कहाँ है? तो डल झील के बीच स्थित है, और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखाई पड़ता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर ट्रस्ट ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊंट कडाल पुल को पुनर्द्वार करने का फैसला किया है। यह जो ऊंट कडाल पुल है 17वीं शताब्दी का है, और जर्मनी की सहायता से इसे फिर से पुनर्द्वार करने का फैसला लिया गया है। चौरस सतह तथा अंत अनप्रवाहित द्रोणी, चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। इनमें वर्षा का जल जमा हो जाता है। यहाँ पे कहा गया है कि चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाले छोटी छोटी झीलों को प्लाया कहा जाता है। इनमें वर्षा का जल जमा होता है, परंतु जल्दी ही भाष्प बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहा जाता है। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा तथा सहारा में सीट कहते हैं। ठीक है, प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी तथा ममलाहा और सहारा में सीट कहते हैं। ठीक है ना, ये सब ये जो जो भी पॉइंट है ये सारे पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। सांभर व डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित खारे पानी की झील है। सांभर झील बालसन का, डिडवाना झील पलाया का उदाहरण है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, जो कि सिक्किम में है। तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। ठीक ना, आगे है महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार दिया है, तो ये एक तरह कहीं कहीं देखिए बहुत कंफ्यूजन है इसको लेके। कहीं पे ये ज्वालामुखी उद्गार देता है, कहीं पे ब्रह्मांडीय घटना का प्रकोप है। तो अब क्या हम कह सकते हैं इसको लेके, अब जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उसको टिक करेंगे। लेकिन अगर मेरी माने तो ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय घटना का प्रभाव है। यहाँ पे देखिए, उकाई जो है वो एक झील है। कहाँ है? तो गुजरात में। तो उकाई झील जो है वो ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। आगे है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ताप बढ़ेगा तो उकाई आएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर राजस्थान एवं गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। एक्चुअल में ये सारे बांध हैं, और बांधों के पास जो जल का क्षेत्र बन जाता है वही झील मानव निर्मित झील है। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर राजस्थान में चंबल नदी पर, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में चंबली नदी पर। ठीक ना, नागार्जुन सागर नालकोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर है। निजाम सागर तेलंगाना में मंजरा नदी पर एवं तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी पर निर्मित यह मानव निर्मित झील है। ठीक ना, अगर बात की जाए नागार्जुन सागर का तो यह कृष्णा नदी पर है। कहाँ कहाँ है? तो नालगोंडा जिला तेलंगाना में और गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। और निजाम सागर की बात की जाए तो वह तेलंगाना में है और कर्नाटक में भी है। मंजरा नदी तथा तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित है ये सारे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। इस झील में किवु लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य स्थित है। पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल में एक लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। समझ पा रहे हैं आप? सारा चीज़ समझते जो चलेंगे। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 है, वेलिंगटन द्वीप पर ही है। इसको फिर से समझिएगा कि पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में। एक लैगून झील का उदाहरण है, और इसी लैगून झील में एक द्वीप है जिसका नाम है वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की खासियत है
कि यहाँ पर ही राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिता होती है और इसी द्वीप पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप इसको दिमाग में हटाते हुए चलेंगे। आगे है, पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत का दूसरा सबसे बड़ा लैगून झील है। पहला चिल्का झील है और दूसरा पुलिकट झील, और इसका जो है 84% भाग जो है वो आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा है, जिसे बैरियर टापू भी कहा जाता है। इसे बंगाल जो है, और ये जो श्रीहरिकोटा है वह पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है, यानी कि झील के मुंह पर ही बसा हुआ द्वीप है। पुलिकट हरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। हरिकोटा द्वीप जो है इसी पर सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, और यही इसरो का लॉन्चिंग पैड है। समझ पा रहे हैं आप ना? चलिए, पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी, कालंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। आगे है, बकिंगम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। बकिंगम नहर कहाँ है? तो पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में। आगे है, पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में तथा तमिलनाडु तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 ईस्वी में एक पक्षी अभयारण्य स्थापित किया गया है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए भारत की प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है कुंचिकल जलप्रपात, यह बराही नदी पर है और यह कर्नाटक राज्य में है। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। ठीक ना, तो यह भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है, गोवा में है। इसकी ऊंचाई 310 मीटर है। जोग जलप्रपात, इसे गरसोपा भी कहते हैं, यह शरावती नदी पर है कर्नाटक में, और इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। येन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में है और इसकी जो ऊंचाई है 90 मीटर है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पर है, कर्नाटक में है और इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी क्षेत्र में है या तमिलनाडु में है। समझ पा रहे हैं? चलिए, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है राजस्थान में। इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। ऊंचाई काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पुनासा जलप्रपात भी चंबल नदी पर है राजस्थान में ही है और इसकी ऊंचाई 12 मीटर है। विहार जलप्रपात टोंस नदी पर है राजस्थान में और इसकी ऊंचाई पूरे 100 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा में भेड़ाघाट के पास है मध्य प्रदेश में और इसकी ऊंचाई 10 मीटर ही है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है और इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। यहाँ देखिए पॉइंट में लिखा हुआ है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में हेगेनक्कल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुकी और बालमुरी जलप्रपात स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु में हेगेनक्कल बांध जलप्रपात और कर्नाटक में भारचुकी और बालमुरी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं आप याद रखेंगे। यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा और पंक्तिबद्ध जलप्रपात है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि जोग जलप्रपात जो है वह जिसे महात्मा गांधी जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात भी कहा जाता है, और यह भारत में ऊंचा और गैर पंक्तिबद्ध यानी कि डायरेक्ट डायरेक्ट इसका पानी नीचे गिरता है। ठीक ना, अब हम लोग बात करेंगे भारत के जलवायु के बारे में। जलवायु, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। समझ पा रहे हैं? चलिए, कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम है और मौसम की जो स्थिति होती है उसे उस स्थान की जलवायु कहते हैं। मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय की, जैसे एक दिन या एक सप्ताह की वायुमंडलीय दशाओं को वहाँ का मौसम कहते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे आप देख पा रहे हैं बिहार बिहार में अभी लगातार वर्षा हो रही थी, तो बिहार का मौसम कैसा था? तो बरसाती मौसम था। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 ईस्वी में शुरू की गई थी। तब इसका मुख्यालय शिमला में था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका मुख्यालय पुणे लाया गया। अब भारत में मौसम संबंधी मानचित्र वहीं से प्रकाशित होती है, यानी कि पुणे से। भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक जो है वह उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, तो ये सारे इनकी जो स्थिति है भारतीय जलवायु को या भारत के मानसून को प्रभावित करते हैं। समझ पा रहे हैं? जैसे देखिए कैसे अब हिमालय पर्वत प्रभावित करता है, तो इसकी उपस्थिति के कारण मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाएं भारत में नहीं आती हैं। अगर ये हवाएं डायरेक्ट भारत में आती तो भारत में ठंड का प्रभाव ज़्यादा होता। फिर है दक्षिण में हिंद महासागर, इसकी उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा की समीपता के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु अपने आदर्श स्वरूप में पाई जाती है। समझ पा रहे हैं? हिंद महासागर है तो जहाँ पे सागर है, सागरों से क्या होता है कि सागर तुलनात्मक रूप से देर से गर्म और देर से ठंडे होते हैं। तो जैसे सागर गर्म रहेंगे तो आसपास के क्षेत्र भी गर्म रहेंगे, सागर ठंडा होंगे तो आसपास के क्षेत्र भी ठंडा होंगे। तो कहने का मतलब है भारतीय जलवायु को मानसून के अलावा ये दोनों कारक भी हैं जो प्रभावित करते हैं। यहाँ पे पॉइंट में है, मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में निम्नतः चार प्रकार की ऋतु चक्रवत पाई जाती है।
कहा जा रहा है कि मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में तीन चार ऋतु चक्रवात पाई जाती है। पहला है शीत ऋतु, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा है वर्षा ऋतु और चौथा शरद ऋतु। इनका जो समय दिया गया है शीत ऋतु का 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक, ग्रीष्म ऋतु 16 मार्च से 15 जून तक, वर्षा ऋतु 16 जून से 15 सितंबर। अभी देख रहे होंगे हम लोग वर्षा ऋतु में प्रवेश कर चुके हैं और शरद ऋतु 16 सितंबर से 14 दिसंबर तक। यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि ये तिथियाँ एक सामान्य सीमा रेखा को तय करती हैं। मानसून पवनों के आवागमन या प्रत्यावर्तन में होने वाला विलंब इनको पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। जाहिर सी बात है कि अगर मानसून लेट से आएगा तो ये आगे पीछे होंगे। आगे है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावठ कहते हैं। दोस्तों क्या होता है कि शीत ऋतु में भारत में, भारत के उत्तरी भागों में वर्षा होती है और ये जो वर्षा है वो किसके कारण होता है, तो पश्चिमी विक्षोभ। हम लोग जब मानसून पढ़ेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ को काफ़ी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पे आप सिर्फ ये जानें कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में अगर शीत ऋतु में वर्षा होती है तो वह पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण होती है। और इसी वर्षा को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे राजस्थान में इसे मावठ कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होते हैं। दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कि जब भारत में अधिकांश क्षेत्रों में भारत में वर्षा होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, यानी कि हिंद महासागर से ये जो मौसमी हवा है वो चलना शुरू करते हैं और भारत के मैदानी क्षेत्रों में या पठारी क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये हवा आगे बढ़ रहे हैं तो इसका कारण क्या है कि वायुमंडलीय दाब में अंतर है। समझ पा रहे हैं, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण ही हवाएं एक दिशा से दूसरी दिशा में चलती हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है, अधिक ताप के कारण हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं तो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है और इसी निम्न दाब क्षेत्र को भरने के लिए सागरीय क्षेत्रों से हवाएं बहती हैं और इसी के क्रम में मानसूनी हवा भी आगे बढ़ती है। तो जब शीत ऋतु आ जाता है तो स्थलीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है, शीत ऋतु आता है तो स्थलीय क्षेत्र का तापमान घट जाता है और समुद्रों का तापमान तुलनात्मक रूप से बढ़ा ही रहता है। तो अब निम्न दाब क्या हो गया, समुद्रों की ओर हो गया, तब स्थलीय क्षेत्र समुद्रों की ओर हवाएं बहने लगी। इसी क्रम में उत्तरी पूर्वी मानसून का निर्माण होता है। चूंकि उत्तरी पूर्वी मानसून के अंतर्गत अधिकांश क्षेत्र जो होता है वह स्थलीय भाग से हवाएं आती हैं तो उनमें नमी की मात्रा कम होती है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो है वह बंगाल की खाड़ी से, कुछ मानसूनी हवा बंगाल की खाड़ी से नमी चुरा लेते हैं और कोरोमंडल तट पे वर्षा करा देते हैं। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप धैर्य बना के रखेंगे, मैं जब भारत के भूगोल के अंतर्गत मानसून पढ़ाऊँगा तो काफ़ी विस्तार से इसमें चर्चा करूँगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे सीधा सीधे ये समझिए कि जाड़े के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी महीने में तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है लौटते हुए मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में असम व पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलने लगती हैं जिससे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर, बंगाल की खाड़ी बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, कर्नाटक में इसे चेरी ब्लॉसम एवं कॉफ़ी वर्षा कहते हैं जो कॉफ़ी के कृषि के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होने के कारण इसे दक्षिण भारत में आम्र वर्षा या मैंगो सावर भी कहते हैं। समझ पा रहे हैं, चलिए। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। आप देखते होंगे उत्तर पश्चिम भारत या फिर यहाँ तक कहेंगे कि उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में एक हवा चलती है काफ़ी शुष्क होती है और इसी हवा को हम लोग लू कहते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। क्या होता है कि वर्षा ऋतु में उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है जिसे मानसूनी गर्त कहते हैं। कैसे बनता है, तापमान अधिक के कारण। इसी समय उत्तरी अंत उष्ण अभिसरण उत्तर की ओर खिसकने लगता है। अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहाँ पे होता है, जनरली है विषुवत रेखा के पास होता है, लेकिन चूंकि तापमान जो है सूर्य की जो स्थिति है वो उत्तरायण होने लगता है तो यह और ऊपर की ओर खिसकने लगता है जिसके कारण विषुवत रेखीय पछुआ पवन एवं दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्व सीमा वाणिज्यिक विषुवत रेखा को पार कर फेरल के नियम का अनुसरण करते हुए भारत में प्रवाहित होने लगती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है और इसी से अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा होती है जिसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। इसका जो प्रतिशत है लगभग 80% है। आप सीधा सीधे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जो अंत उष्ण अभिसरण यानी कि जो सबसे ज़्यादा हीट वाला क्षेत्र है वह विषुवत रेखा से खिसक कर ऊपर की ओर आ जाता है। तो जब ऊपर की ओर आ जाता है खिसक के तो जो वाणिज्यिक पवनें चलती हैं वो कहाँ पे चलती हैं, विषुवत रेखा के पास, अंत उष्ण अभिसरण क्षेत्र के पास चलती हैं। तो ये जो है खिसक के उत्तर की ओर आ गया
और जब आगे आया तो भारत की ओर मुड़ गया फेरल के नियम के कारण, क्योंकि यह उत्तरी गोलार्ध में आ गया है। तो ये हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो भारत की ओर मुड़ जाती हैं, और जैसे ही भारत की ओर मुड़ती हैं तो क्या होता है कि इनका नाम हो जाता है, मान लीजिए अब विषुवत रेखा से आगे बढ़ गए, दक्षिणी गोलार्ध से होते हुए विषुवत रेखा से आगे बढ़ गए, तो अब आगे उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के अनुसार भारत की ओर मुड़ जाती हैं, और जैसे ही ये हवाएं भारत की ओर मुड़ती हैं तो ये अपने साथ हिंद महासागर की जलवाष्प को लेकर बढ़ती हैं, और इसी से भारत में वर्षा होती है, और इसे ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। आप धैर्य बनाए रखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। भारत का प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं विभाजित हो जाती है, एक अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत का प्रायद्वीपीय स्थिति कैसा है, त्रिकोण है, तो इसके कारण ये जो हवाएं हैं ये दो भागों में बढ़ जाती है। अरब सागर शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के केरल राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है। आप सुने होंगे भारत में सबसे पहले मानसून मालाबार तट पर आता है, केरल में जून के प्रथम सप्ताह में। यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पर वर्षा कराती है, इसे मानसून प्रकोष्ठ कहते हैं। ठीक है, गारो खासी एवं जवंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा अधिक वर्षा कराती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मासिनराम जो कि मेघालय में है विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, लगभग 1141 सेमी। मानसून की अरब सागर शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल की खाड़ी से आती है। अरब सागर ये मानसून की एक शाखा सिंध नदी के डेल्टा क्षेत्रों से आगे बढ़कर राजस्थान के मरुस्थल में होते हुए सीधे हिमालय पर्वत से जाकर टकराती है एवं वहाँ धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में इसके मार्ग में अवरोध न होने के कारण वर्षा का अभाव पाया जाता है, क्योंकि अरावली पर्वत इसके समानांतर पड़ती है। समझ पा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अरब सागर ये मानसून की एक शाखा जो कि सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्रों से आगे बढ़ते हुए राजस्थान के मरुस्थल में होते हुए सीधे जाके हिमालय से टकराती है, और वह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के निकट अधिक वर्षा कराती है। राजस्थान में वर्षा नहीं करा पाती है क्योंकि कोई अवरोध नहीं होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि वर्षा के प्रकार में एक होता है पर्वतपदीय प्रकार। पर्वतपदीय प्रकार में क्या होता है कि वर्षा मानसूनी हवाओं को रोकने का काम करता है पर्वत, तो हवाएं ऊपर बढ़ने लगती हैं और ऊपर बढ़ने के क्रम में यह द्रवीभूत होती है, संघनित होती हैं और वर्षा के रूप में नीचे आ जाती हैं। तो अरब जो ये जो अरब सागर की शाखा है जो कि सिंधु नदी के डेल्टा क्षेत्र से राजस्थान में प्रवेश करी है, इसको रोकने वाला कोई है ही नहीं। अरब पर अगर अरावली पर्वत है तो इसके समानांतर आ जाता है, तो इसके सीधे ही ये निकल जाती है। मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जून से सितंबर में 73% वर्षा होती है, अपरवर्ती मानसून यानी कि लौटते हुए मानसून से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 13% होता है, और पूर्व मानसून काल से यानी कि मानसून आने से पहले से मार्च से मई के बीच में 10% वर्षा होता है, और शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसून से 2.6% वर्षा होता है। ठीक ना, चलिए। तमिलनाडु पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। तमिलनाडु जो है पश्चिमी घाट पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा काफ़ी कम वर्षा होती है। अगर आप किसी पर्वत के वृष्टि छाया माने छाया क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर वर्षा नहीं हो पाती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा होता है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। हम बता चुके हैं कि उत्तरी पूर्वी मानसून जब बहती है तो यहाँ इससे बहुत कम वर्षा होता है, लेकिन तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है कि उत्तरी पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प चुरा लेती है और तमिलनाडु के तटों पर पटक देती है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन काल कहते हैं। ठीक है, इस ऋतु में बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। इन चक्रवातों को पूर्वी तटीय क्षेत्रों में मुख्यतः आंध्र प्रदेश और उड़ीसा एवं पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में गुजरात में काफ़ी क्षति पहुंचाती है। ठीक है, प्रत्यावर्ती मानसून या मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है, यानी कि लौटते हुए मानसून से सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु में होती है। यहाँ पे देखिए, अल नीनो और भारतीय मानसून का संबंध को यहाँ पे दिखाया गया है। अल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है। इसके कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में यह प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों के मौसम प्रभावित होता है। अल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुबियन अथवा हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित होता है। यह धारा पेरू तट के जल के तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देता है। इससे निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला है, भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति होती है। समुद्री जल के बाष्पन में अनियमितता आती है और पलवक का मात्रा में कमी, जिससे समुद्री मछलियों की संख्या घटती है। क्या होता है कि पलवक यानी प्लैंकटन जो है वो जिस वर्ष अल नीनो की उत्पत्ति होती है उस पर प्लैंकटन कम मात्रा में उसका उत्पादन होता है और इससे मछलियों की संख्या घटती है। यह पॉइंट में भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए अल नीनो का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे है, अल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा।
क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रम अलनीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बाला कीसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध दिसंबर का महीना गर्मी का महीना होता है, और इस कारण क्या होता है कि यहाँ बच्चे गर्मी में बच्चे रोते हैं, तो इसे बालकों की चीख भी कहीं कहीं कहा जाता है।